आज हर तरफ एक ही नाम की चर्चा है, मनु भाकर, मनु भाकर, मनु भाकर। तो आखिरकार कौन है ये मनु भाकर? पेरिस ओलंपिक में एक ऐसा इतिहास रच दिया है मनु भाकर ने, जो आज तक कोई भी भारतीय महिला खिलाड़ी नहीं रच पाई थी। इस वजह से हर कोई जानना चाहता है कि मनु भाकर कहां से आती हैं, क्या उनकी पूरी कहानी है, संघर्ष कैसा रहा है, पेरिस ओलंपिक्स में इतिहास रचने तक का सफर कैसा रहा है। तो मैं अनसुनी कहानियों के इस एपिसोड में आपको मनु भाकर की कुछ ऐसी कहानियों से रूबरू करवाऊंगा जो शर्तें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। जैसे कि मनु भाकर को उनकी मां डॉक्टर बनाना चाहती थी, जैसे कि मनु भाकर को उनकी मां झांसी की रानी बुलाती है। अब झांसी की रानी क्यों बुलाती है, उसके पीछे की कहानी आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कैसे एक इक्विपमेंट फेलियर के बाद टोक्यो ओलंपिक से उनको बाहर होना पड़ा था, लेकिन वहां पर भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक लंबा दौर था जब यही मनु भाकर डिप्रेशन के दौर से गुजर रही थी, लेकिन वहां पर भगवत गीता का साथ मिला और फिर उन्होंने इतिहास रच दिया। तो ऐसी ही कहानी जो बहुत दिलचस्प है, बहुत रोचक है, पेश है मनु भाकर की अनसुनी कहानी। बहुत कम लोग जानते हैं कि मनु भाकर की मां उन्हें झांसी की रानी बुलाती थी। जी हां, मनु भाकर की मां ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जिस दिन मनु का जन्म हुआ था उस दिन उन्हें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देने के लिए जाना पड़ा था, लेकिन जब वो टेस्ट देकर अपने घर वापस आई थी तो मनु बिल्कुल खुश थी। यानी कि उनके जाने के बाद भी मनु बिना रोए 4 घंटे तक रह गई थी। यही देखकर उन्होंने उसका नाम मनु रख दिया था, जिसका अर्थ होता है झांसी की रानी। ये भी बहुत कम लोग जानते हैं कि मनु भाकर ने अपना पहला राष्ट्रीय टूर्नामेंट किराए की पिस्टल लेकर खेला था। इस बारे में खुद मनु ने कहा, शुरुआत में जब मेरे पास अपनी पिस्टल नहीं थी तो मैंने विनीत सर की पिस्टल किराए पर ली थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि ट्रिगर कितना अंदर दबाना होता है, ग्रिप बनाने में भी काफी दिक्कत होती थी। लेकिन मनु ने यहाँ से हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद वो लगातार टूर्नामेंट्स पर टूर्नामेंट्स खेलती चली गई और उसके बाद उन्होंने देश के लिए इतिहास रच दिया। एक वक्त ऐसा भी था जब मनु भाकर को पिस्टल लाइसेंस के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी थी। मनु के पिता रामकिशन भाकर ने बताया कि लाइसेंस लेने के लिए उन्हें हर रोज 45 किलोमीटर दूर झज्जर जाना पड़ता था। अफसरों ने उनकी एक नहीं सुनी। एशियन यूथ गेम्स नजदीक आ रहे थे और मनु को प्रैक्टिस के लिए पिस्टल की जरूरत थी। पुलिस और मजिस्ट्रेट ने तो सहयोग किया, लेकिन तत्कालीन ADC ने उनकी एक नहीं सुनी। लाचार होकर मनु के पिता ने हरियाणा के शिक्षा मंत्री से गुहार लगाई और CMO और खेल मंत्री को भी ट्वीट किया। 2 महीने बाद आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और मनु को लाइसेंस मिल गया। मनु की मां उन्हें डॉक्टर बनाना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मनु भाकर की मां सुमेधा भाकर ने खुद बताया कि वो मनु को डॉक्टर बनाना चाहती थी, लेकिन उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है कि उसने ओलंपिक में मेडल जीता। मनु बचपन से ही कुछ करना चाहती थी, इसके चलते उसने जिस भी खेल में रुचि ली उसमें बहुत अच्छा करके दिखाया। मनु ने 2018 युवा ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाई थी। इसके बाद उन्होंने कई बड़ी प्रतियोगिताओं में पदक जीते। टोक्यो ओलंपिक में उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा, उनका सपना चकनाचूर हो गया। वहां पर उनकी पिस्टल में खराबी आ गई थी, जिससे वो प्रतियोगिता से बाहर हो गई थी। ये उनके लिए बहुत बड़ा सबक था। इसके बाद मनु टूट गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इसे ही अपनी प्रेरणा बना लिया। मनु भाकर ने टोक्यो ओलंपिक के अपने खराब एक्सपीरियंस के बाद भगवत गीता पढ़ना शुरू किया। गीता का श्लोक कर्मण्ये वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन उन्हें प्रेरित करता है। इस श्लोक का अर्थ है कि हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। फाइनल मुकाबले में इसी श्लोक ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखा। शूटिंग के अलावा भी मनु ने कई सारे खेल खेले हैं। इससे पहले भी मनु भाकर कई इंटरव्यूज में खेलों के प्रति अपने प्यार का जिक्र कर चुकी हैं। वो बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग भी खेलती थी। शूटिंग से पहले मनु भाकर ने क्रिकेट की ट्रेनिंग भी ली थी। उन्होंने वीरेंद्र सहवाग की झज्जर क्रिकेट अकेडमी में क्रिकेट के गुर सीखे थे, लेकिन जब स्कूल में शूटिंग रेंज बनी तो उन्होंने शूटिंग को चुन लिया।
मनु भाकर की अहम उपलब्धियों पर नजर डालें तो सबसे बड़ी उपलब्धि पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल है। इसके अलावा 2022 काहिरा में 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में उन्होंने रजत पदक जीता था। 2019 दोहा खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। 2019 दोहा खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। तो 2018 ब्यूनस आयर्स गेम्स में उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था। पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ओलंपिक मेडल जीतने वाली मनु भाकर पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। फाइनल इवेंट में मनु भाकर 221.7 पॉइंट स्कोर करके थर्ड पोजीशन पर रही। महज 0.1 पॉइंट से मनु सिल्वर मेडल जीतने से चूक गई। शूटिंग में ओलंपिक मेडल जीतने वाली मनु भाकर पहली भारतीय महिला शूटर हैं। इससे पहले शूटिंग में भारत ने 4 ओलंपिक मेडल जीते हैं, लेकिन सभी पुरुष खिलाड़ियों ने जीते थे। यानी कि ओलंपिक के 100 से ज्यादा सालों के इतिहास में जो कोई नहीं कर पाया वो मनु भाकर ने कर दिखाया। आज मनु भाकर पर पूरे देश को नाज है, पूरा देश उन पर गर्व करता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।